Assalamu alaikum class, my name is Amna Sahar. Today I present you the program of Java. Here it is. Write a program that displays the menu. हमने दो चीजें इसमें find करनी है. First CSE, calculate area of cube and enter its side values. और उसके बाद है हमारी जो second चीज वो है total surface area of cube. ये सारी इसकी coding है. Here it is. इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये पैकेज है जिसके अंदर हम लोगों ने सारा अपना जो प्रोग्राम है वो रन किया है. पब्लिक क्लास है मेन, मेन के नाम से एक ये क्लास का नाम है और ये बाकी जो ये सारी चीज़ें ये मेन के अंदर हम लोगों ने कोडिंग की है. यहाँ से हम लोग अपना कोड हम लोगों ने राइट किया है. स्कैनर, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर. ये हम लोग एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्कैनर. प्लॉट आर एच, आर एच आर रेडियस है और एच हमारी हाइट है. उसके बाद है ये फ्लोट में आएंगे, मतलब पॉइंट्स में आंसर आएंगे. उसके बाद है फ्लोट एल बी एच, एल जो है हमारी वो है लेंथ और जो बी है वो है ब्रेथ और एच हाइट है. स्ट्रिंग एस टी आर हम लोगों ने प्रिंट करवा रहे हैं. सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल एन, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, एंटर सी एस सी फॉर एरिया ऑफ क्यूब इन सरफेस. ये हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्यूब या टोटल सरफेस एरिया. उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट करवाई है एंटर द लेटर ऑफ कैलकुलेट एरिया. एस टी आर इज इक्वल टू द स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन. यहाँ हम लोग स्विच स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं. स्विच स्टेटमेंट्स में डिफरेंट हमारे केसेस होते हैं. ये स्विच ब्रैकेट्स एस टी आर, ये एक्सप्रेशन हम लोग एस टी आर मतलब स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं. ब्रैकेट ओपन, केस वन था हमारे पास सी एस सी, कैलकुलेट एरिया ऑफ क्यूब. सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर द साइड वैल्यूज, साइड वैल्यूज हम लोगों ने एंटर करनी है. हमारी साइड वैल्यूज क्या आती है, एल बी एच टू, लेंथ ब्रेथ और हाइट. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसका फॉर्मूला होता है टू एच इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. और ब्रेक लगी हमारी. इसके बाद सेकंड जो केस है हमारा वो है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया. सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर द रेडियस एंड हाइट वैल्यूज. अब जो हमारी रेडियस और हाइट वैल्यूज होती है इसमें रेडियस और हाइट फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया में. रेड आर इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लॉट और एच इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लॉट. एरिया ऑफ सिलेंडर आर इंटू एच, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का. यहाँ ब्रेक लग गया. उसके बाद ये स्विच स्टेटमेंट का एक डिफॉल्ट सिस्टम होता है. सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, यू एंटर रॉन्ग नंबर. अगर तो हम लोगों का डिफॉल्ट सिस्टम होगा तो यू एंटर रॉन्ग नंबर. नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे ये फार्मूलाज अप्लाई किए हैं जिसमें हमारा सबसे पहला फार्मूला था टोटल सरफेस एरिया का, आर और एच वाला. स्टैटिक वॉइड एरिया ऑफ सिलेंडर फ्लोट आर वन, फ्लोट एच टू, फ्लोट आर एच सरफेस एरिया. आर इज इक्वल टू आर वन और एच इज इक्वल टू एच टू. इसका फार्मूला होता है टू पाई आर ब्रैकेट्स एच प्लस आर. पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, ये पाई आ गया. R R प्लस एच, टू पाई आर आर प्लस एच. इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया. सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट एल एन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, जो भी हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा वो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद हम लोग फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. स्टैटिक वर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फ्लोट एल वन, फ्लोट बी टू, फ्लोट एच टू, फ्लोट ए एल बी एच सरफेस एरिया. L is equal to L1, B is equal to B2, H is equal to H2 and A is equal to L is equal to B is equal to H. मतलब एरिया जो हमारा है वो किसके इक्वल है, L, B, H, लेंथ ब्रीथ और हाइट. इसका हम लोग सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं 6 इंटू ए इंटू ए. सिस्टम डॉट आउट प्रिंट सरफेस एरिया क्यूब, हमारा इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमारा जो होगा सरफेस एरिया क्यूब वो फाइंड हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा सरफेस एरिया. ये एल प्लस एच हम लोगों ने इसकी जगह ए इंटू ए क्यों यूज किया, क्योंकि ए इज इक्वल टू एल प्लस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच. सो हम लोगों ने यहाँ ए ए फाइंड कर दिया. ये हमारा आउटपुट आ रहा है एंटर द कैलकुलेट सरफेस एरिया. जब हम लोगों ने सरफेस एरिया हम लोगों ने उसमें एंटर किया तो यू एंटर अ रॉन्ग नंबर. थैंक यू.